सबको सही लग रहा है। यहीं पर आते हैं बर्थडे पार्टी या कुछ भी हो सब यहीं पर। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम लोग हाजिर हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में। और गाइज आज हम लोग आ चुके हैं पंजाबी फूड कैफ़े। जी हाँ, पंजाबी फूड कैफ़े जो कि रामगढ़ में काफ़ी नामी है गाइज। और गाइज ये लोकेटेड है गाइज रामगढ़ के ब्लॉक ऑफिस के जस्ट अपोजिट में, तिरुपति बालाजी कॉम्प्लेक्स में। तो गाइज बहुत ही नामी, जैसा कि पीछे देख सकते हैं लोकेशन और पंजाबी फूड कैफ़े। तो चलिए गाइज हम लोग अंदर चलते हैं और फूड रिव्यू देंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम यहाँ का फूड टेस्ट करेंगे गाइज और बताएंगे कि कैसा है गाइज। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी गाइज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले गाइज। चलिए गाइज चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग पंजाबी फूड कैफ़े के अंदर आ चुके हैं गाइज, और हम लोग कुछ ऑर्डर करें और खाएं उससे पहले चलिए यहाँ के जो ऑनर हैं भैया उनसे बात करते हैं और ए टू जेड जानकारी देते हैं आपको, ताकि आप जब यहाँ पे विजिट करें तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको। तो चलिए गाइज बात करते हैं जो ऑनर हैं यहाँ के। तो पहले तो सर अपना नाम बताइए आप। जी मेरा नाम हरजीत सिंह है, लेकिन लोग मुझे मेरे निकनेम भोले के नाम से जानते हैं। अच्छा, और अंकल ये जो पंजाबी फूड कैफ़े है काफ़ी नाम प्रचलित है इसका, हम लोग सुने हैं वही सुन के हम लोग आए भी हैं यहाँ पे। तो मतलब कितना साल हो गया इसका ओपनिंग का? सर इनको ओपनिंग किए हुए लगभग डेढ़ साल हो गया है। डेढ़ साल हो गया है। तो गाइज 1.5 ईयर हो चुका है गाइज इसका ओपनिंग का, और काफ़ी इतना दिन में ही काफ़ी फेमस हो चुका है गाइज। जहाँ भी जाओ पंजाबी फूड कैफ़े बहुत नाम सुनने को मिलता है। और इसका टाइमिंग क्या है, जब कोई आना चाहे हम लोग का वीडियो देख के तो कब आएंगे तो यहाँ पे? मतलब इनका कैफ़े का सर खुलने का समय है सुबह में 11 बजे और रात को 10 बजे तक उपलब्ध रहता है सर। रात को दस बजे तक तो सुबह में 11 बजे। तो गाइज 11 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक आप कभी भी विजिट कर सकते हैं यहाँ, और फूड इंजॉय कर सकते हैं यहाँ आके। और लोकेशन एक बार अपने से बता दीजिए अंकल यहाँ का। मेरा पंजाबी फूड कैफ़े बालाजी कॉम्प्लेक्स मतलब नियर ब्लॉक जी बिजुलिया में स्थित है। तो गाइज बिजुलिया में तिरुपति बालाजी कॉम्प्लेक्स करके है गाइज, ब्लॉक के जस्ट अपोजिट में, रामगढ़ ब्लॉक के अपोजिट में। तो वहाँ आइए गाइज और फूड इंजॉय कीजिए। तो गाइज चलिए यहाँ कुछ भैया हैं जो यहाँ पे गाइज जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ का जो मतलब स्पेशल क्या है पंजाबी फूड कैफ़े का, स्पेशल क्या है भैया ये बताइए। हमारा चीज़ यहाँ तो सभी स्पेशल ही है जी, लेकिन एक्चुअली हम लोग जो है ना सब नॉन वेज और वेज दोनों सेपरेट बनता है। अगर आप वेज में खाना चाहेंगे तो यहाँ का बेस्ट पनीर चिली और बेबी कॉर्न चिली है, चिली जो बहुत ही क्वालिटी में। वही सुन के हम लोग भी आए हैं, तो अब चलिएगा टेस्ट भी करना है हम लोग को। तो टेस्ट करेंगे, नाम तो काफ़ी सुने हैं लेकिन टेस्ट करेंगे तो हम लोग भी बता पाएंगे कि कितना अच्छा है क्या। तो हम लोग भी टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड इट्स टाइम टू रिव्यू सर। तो गाइज हम लोग अपना खाना का ऑर्डर दे चुके हैं गाइज, और हम लोग का खाना तैयार हो रहा है वहाँ पे फूड गाइज। तो तब तक हम लोग चलिए यहाँ जो लोग खा रहे हैं, कुछ भाई लोग मेरे खा रहे हैं, उसे रिव्यू लेते हैं और उनको कैसा फूड लग रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं वो पता करते हैं गाइज। तो चलिए चलते हैं, आइए। तो गाइज यहाँ कुछ लड़के लोग खा रहे हैं, भाई लोग मेरे। तो चलिए गाइज उन लोगों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है, पिज्ज़ा खा रहे हैं अभी आप लोग? बहुत बढ़िया भैया। और नाम क्या हुआ आपका? अमनदीप। और सब फ्रेंड आप लोग सर्कल? हाँ, कहाँ से आए आप लोग? रामगढ़ से ही लोग? रामगढ़ से। और आप लोगों को कैसा लग रहा है? एक नंबर पे बहुत बढ़िया यार, सबको सही लग रहा है क्या? यहीं पर आते हैं क्या बर्थडे पार्टी या कुछ भी हो सब यहीं पर। तो गाइज जैसा कि देख सकते हैं आप कि ये लोग बता रहे हैं कि इन लोग का जब बर्थडे ये सब होता है तभी यहाँ पे आते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और रेगुलर कस्टमर लग रहा है आप लोग यहाँ का, है नहीं? तभी आए हुए हैं गाइज, और फ्रेंड सर्कल में आए हुए हैं। और उधर देखिए उधर भी फ्रेंड लोग आए हुए हैं, सब साथ में ये लोग। तो एक बार हाई कर दिए मेरे चैनल में। तो फ्रेंड फाइनली देख सकते हैं गाइस कि हम लोग जो जो ऑर्डर किए थे आ चुका है गाइस, और पूरा प्लेट भर के आ चुका है गाइस। तो चलिए क्या क्या हम लोग ऑर्डर किए थे वो दिखाते हैं आपको, और देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग पहले तो 2 बर्गर यहाँ पर ऑर्डर किए थे गाइस, क्योंकि अभी से वेजिटेरियन नहीं है तो इसका नॉन वेज चलता है, तो इसके लिए गाइस हम लोग
चिकन क्रिस्पर जो है बर्गर किए थे गाइस, तो ये यहाँ पे रख दे रहे हैं हम क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। और मेरे लिए गाइस चीज़, ये बर्गर है, चीज़ बर्गर है गाइस, वेज चीज़ बर्गर, तो ये आ गया है। और उसके साथ में हम लोग मोमोज किए थे, फ्राइड मोमोज, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेड कलर का। देखिए गाइस यहाँ सामने लगा, अभी से थोड़ा दिखाते हैं। तो गाइस देखिए 6 पीस आया हम लोग का मोमोज, तो हम लोग यही इसी में खा लेंगे गाइस। और मियोनीज देखिए साथ में है, खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग रोल भी ऑर्डर किए थे गाइस, तो हम लोग का ये जो वेज रोल है वो पड़ा है गाइस, इसका प्राइस हम बताते हैं, 60 रुपये का पड़ा है ये हम लोग वेज रोल। और मोमोज कितना हुआ था अभिषेक? मोमोज का हम लोग को 80, हाँ फ्राइड मोमोज गाइस 80 पड़ा था हम लोग को। और स्टीम मोमोज भी है यहाँ पे 60 रुपये में आप खा सकते हैं। और फ्रेंड ये जो बर्गर है हम लोग को कितना है पड़ा गाइस, तो ये दोनों बर्गर हम लोग को सेम प्राइस में पड़ा है, 90-90 रुपये का दोनों है गाइस। तो ये चिकन वाला भी और ये चीज़ वाला भी बर्गर दोनों का सेम है, आप लोग दोनों में कोई भी खा सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइज अब तो रहा नहीं जा रहा, चलिए टेस्ट करते हैं और यहाँ टेस्ट बताते हैं आपको गाइज। तो गाइज चलिए पहले तो मोमोज टेस्ट करते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइज। तो फ्राइड मोमोज टेस्ट करते हैं पहले गाइज, देखिए। और इसके अंदर का मटेरियल देखिए गाइज, यहाँ आपको ग्रीन चिल्ली दिख जाएगा और ओनियन दिख जाएगा, और जो इसका मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज। तो चलिए पहले मेयोनीज के साथ ट्राई करते हैं और चटनी दोनों मिला के। टेस्ट तो काफ़ी बेहतरीन है गाइस, टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेयोनीज और चटनी साथ में मिला के खा रहे हैं तो जवाब नहीं कोई, बहुत अच्छा लग रहा है। और थोड़ा स्पाइसी भी लग रहा है तो और टेस्ट आ रहा, तीखापन आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड अब वेज रोल ट्राई करते हैं गाइस, और इसका कवर पहले हटाते हैं गाइस। गाइस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, इसका भी मसाला जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पाइसी लग रहा है देखने में, और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, पूरा भरा हुआ है गाइस। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी मसाला गाइस, काफ़ी बहुत ज़्यादा भरा हुआ पूरा। मीठापन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, सॉस भी काफ़ी डाला हुआ है और इसका मसाला काफ़ी अच्छा से तैयार किया गया गाइस। तो फ्रेंड अब टाइम आ गया बर्गर टेस्ट करने का गाइस, और हम ये सब खा रहे थे तो मेरा दिमाग यहीं पे अटका हुआ था गाइस। तो चलिए बर्गर टेस्ट करते हैं, और मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हमको बर्गर खाना, तो इसलिए हम इसको लास्ट में खा रहे हैं। तो चलिए गाइस सॉस करते हैं, और काफ़ी बड़ा साइज़ है, देखिए मुँह में भी नहीं आएगा एक बार में गाइस। इसमें देखिए 3-4 लेयर है गाइस, ये देखिए 3 लेयर है इसमें, देखिए काफ़ी अंदर दिखा इसे, ये देखिए गाइस खीरा टमाटर, और ये देखिए गाइस इधर गोभी है क्या, और सोस अच्छा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं अब। काफ़ी टेस्टी लग रहा है गाइस, मतलब यहाँ का जो भी फूड है काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी टेस्टी लग रहा है गाइस खाने में। तो फर्स्ट टाइम मेयोनीज के साथ बर्गर ट्राई करते हैं क्या। ऑसम टेस्ट है यार, फिर सब मसाला है ना काफ़ी भरा हुआ है। चिकन वाला भी काफ़ी टेस्टी है, और ये अभी से ही बता सकता है गाइस, हम नहीं बता सकते हैं कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम, और काफ़ी मटेरियल भी भरा हुआ है गाइस। क्वांटिटी से लेके क्वालिटी कुछ में भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया यहाँ पे क्या। बर्गर का साइज़ देख सकते हैं आप, रोल भी काफ़ी टेस्टी है, मोमोज भी आपको फ्राइड दिया जा रहा है ये सही रेट में क्या, और मेयोनीज चटनी के साथ, और इसमें रेट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग फूड टेस्ट कर चुके हैं गाइस, और काफ़ी ऑसम टेस्ट था गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ के हम लोग को, और काफ़ी स्पेशियस है और हाइजीनिक का पूरा ख्याल रखा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत है, लाइटिंग वाइटिंग जैसा कि आप देख ही सकते हैं गाइस, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे। तो प्रेफर करेंगे पर्सनली कि यहाँ पे आइए गाइस और फूड इंजॉय कीजिए, और आप जब यहाँ आते तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ गए थे, तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग को भी अच्छा लगेगा गाइस। तो चलिए आज को ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का टाइम आ गया गाइस, तो आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नया तो
प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए गाइस चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तो चलिए गाइस तब तक के लिए बाय।